तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है DCS फ्रॉम दिल्ली 53। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एकदम जेन्युइन रिव्यू मेरी डोमिनार 250 का। तो आज बात करेंगे कि मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, शायद मेरी आवाज़ ना पहुँच पाए। आज बात करेंगे अपनी बाइक को लेके कि डोमिनार 250 के अंदर क्या कमियाँ हैं और क्या इसकी खूबियाँ हैं। तो पहले बात करते हैं कमियों की, जो मैंने खुद नोटिस करी, बाकी को तो मैं कह नहीं सकता। जो मैंने खुद एक बार नोटिस करी है कि जब मैं इसको एक हाईवे पे चला रहा था, मैं पहली बार इसको लेके जब मथुरा गया था, तो जो मैंने नोटिस करी, तो सबसे पहली चीज़ जब मैं इसको लेके गया था, मथुरा गया था मैं सबसे पहली बार लेके, तो मैंने थोड़ा पेन फील करा अपने ये लेफ्ट हैंड साइड पर शोल्डर पर, जिससे कि बहुत पेन हो रहा था। तो मेरी हाइट है 5'11" समथिंग, तो मेरे लिए जो जस्चर था काफ़ी नीचे था इसका हैंडल। हैंडल में एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका हैंडल देखिए, हैंडल में अभी आप देखेंगे। मैंने उससे बचने के लिए इसके अंदर लगाया है ये हैंडल राइज़र लगवाए हैं 1 इंची के, जिससे कि मैं अभी ठीक ठाक राइड कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी बाइक अभी तक 5,953 किलोमीटर जेन्युइन चलाई है, जिसमें कि अभी तक मेरी सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग ड्राइव रही है वो रही है मथुरा और कह सकता हूँ कि अम्बाला तक। अप्रोक्स मैंने इसको 140 टच कर दिया था हाईवे के ऊपर, और विश्वास नहीं करेंगे कि एक भी वाइब्रेशन नहीं थी इसके अंदर। मज़ा आ गया रोड के ऊपर, जो इसकी ग्रिप है उसका सुपर। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी हेडलाइट की, ठीक है। हेडलाइट आप देखेंगे, इसमें बजाज ने हमको जो हेडलाइट दी है, काफ़ी बड़ी हेडलाइट है ये जो आप देख रहे हैं इधर से, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, इतना आप KTM की लाइट भी इतनी आगे पूरा रोशनी नहीं करती जितनी ये रोशनी करती है, ठीक है। एंड इसके जो इंडिकेटर हैं वो LED इंडिकेटर दिए हैं, बेटर देन अदर बाइक्स। एंड इसका जो आ जाते हैं हम इसके सस्पेंशन पे, सस्पेंशन आप देख सकते हैं कि पहले से इसके सस्पेंशन काफ़ी बेहतर कर दिए हैं। अपसाइड डाउन है इसके सस्पेंशन, जो कि अगर आप कहीं भी ऑफ रोड ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर जितना भी ऑफ रोडिंग की होता है उसका झटका होता है वो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी कमर तक आने नहीं देते, जिससे कि आप कम्फर्टेबली राइड कर सकते हैं। बात करते हैं बाइक के वेट की, तो बाइक का वेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बाइक का वेट है इस टाइम पर 198 समथिंग, मतलब बिना पिलियन के, बिना राइडर के इसका वेट है 198, मतलब मोटा मोटी आप 2 क्विंटल की बाइक चला रहे हैं, और जिसपे कि अगर जैसे मेरा वेट है 87 kg है, 87 मीन्स कि 2 क्विंटल 287 किलो वो हो गया, पीछे कोई भी अगर 260 मतलब 60 kg का बैठ जाए तो अप्रोक्स वो मोटा मोटी हो जाएगा आपका 340 किलो वेट हो जाता है पूरा, जो कि यूज़ टू हो सकता था थोड़ा कम, जिससे कि आगे अपना जो हिल राइड है, जैसे मैं राइड पे जाता रहता हूँ, पीछे मेरे पास रेनिगेड कमांडो थी, मैं स्पीति भी गया उससे, मैं हर्षिल भी गया, मैं जोशीमठ भी गया,
मतलब काफ़ी जगह मैं उससे गया, तो एक उसकी पोजीशन अच्छी थी क्योंकि क्रूज़र बाइक थी, अगर उसके उससे हम इसको मैच करते हैं तो कहीं से कहीं तक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बाइक एक अपने अलग लेवल की मशीन है, इट्स अ मॉन्स्टर मशीन। तो कह सकते हैं कि 250 सीसी में इट्स अ ह्यूज मॉन्स्टर मशीन। तो मॉन्स्टर मैं इसलिए बोलूँगा कि बाइक तो अपने आप में धासु है ही, और साथ में बजाज का अपना एक विश्वास भी है, और काफ़ी लायबल है बजाज। अगर किसी भी कंट्री में भी आप चले जाएँ तो बजाज का सर्विस सेंटर आपको इजीली मिल जाएगा। इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप चले जाएँ तो बजाज का सर्विस सेंटर आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक कोई नहीं है, होंगी मच भी बेटर, क्योंकि इससे पहले मैं लेना चाह रहा था, रोनिन आने वाली थी TVS की, वो काफ़ी टाइम ले रही थी, मैंने TVS की रोनिन नहीं ली। देन फिर मेरा मन करा कि चलो होंडा हाइनस ले लेते हैं, होंडा हाइनस भी अप्रोक्स 20-22 हज़ार रुपये महंगी थी लेकिन चलता, लेकिन उसका डिलीवरी मेरे को 1 से 1.5 महीने बाद मिलने वाली थी इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। हाँ, डोमिनार पे मैं इसलिए चला गया कि मेरे को 1 डे डिलीवरी मिली, और सच मानिए कि एक जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त मशीन, वो मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी, जिससे कि मेरी आगे राइड कम्फर्ट हो सके, क्योंकि मेरे का शौक़ है राइडिंग करने का, आगे तक जाने का। और अब जो दूसरी बात करेंगे वो है इसकी हैंडल की मूवमेंट। लाइकली जैसे आप अगर KTM चलाते हैं, जो KTM वाले वो इस बात को समझ पाएंगे कि जो उसका कर्व है वो कितना है, जितने में आपकी एक मारुति 800 कट जाएगी उतना इस बाइक को, अकेली बाइक को कटने के लिए जगह चाहिए रहती है, जिससे कि अगर आप टॉप स्पीड पर चल रहे हैं और आपको चाहिए कि आप सडन एकदम से मूवमेंट ले सको ब्रेक मार के, तब वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उस केस के अंदर, आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएंगे या आप गिर भी सकते हो, जो मुझे उसके सबसे बड़ा कौन लगा। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे आप ये देखोगे मेरी हाइट के लिए सफिशेंट है, मेरा पूरा पैर एक बार पैरों के पास लेके आओ, नीचे दिखा पैर देखिए, मेरे पूरे नीचे टिकते हैं अच्छी तरीके से। अब आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं यूँ सडनली मेरे को ये ब्रेक लगा के पैर ऐसे करना पड़ गया, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ये वाला फुटरेस्ट, ब्रेक वाला फुटरेस्ट हमेशा ये मेरी काफ में लगता रहता है, मतलब चुभता है कभी भी, जैसे अगर आप रुको रेड लाइट पर रुकेंगे या कहीं भी रुकें, आपको जैसे ब्रेक लगा के पैर नीचे करना पड़े, तो जिसने भी ये डिज़ाइन करा ना मच भी बेटर, हो सकता था कि थोड़ा सा आगे की तरफ राइज हो जाते और जो एक राइडिंग पोजीशन थी वो और थोड़ी कंफर्ट हो जाती लाइक इस टाइप से, क्रूज़र टाइप में हम कह सकते हैं कि चलिए क्रूज़र बाइक नहीं है, इट्स अ क्रूज़र और रेसिंग बाइक मिक्स एंड मैच है दोनों का, लेकिन इट्स टू गुड। बात करते हैं इसका इंजन की, इंजन इसमें डोमिनार ने दिया है हमें 247 सीसीज़ का, जो कि एक अच्छी मशीन है और काफ़ी अच्छी पावर भी देती है, काफ़ी अच्छा चलता भी है, तो होप सो इससे भी मच बेटर हो सकती थी, लेकिन आज भी ये सुपर है। थैंक यू। अब आ जाते हैं इसके हम रियर सस्पेंशन पर। रियर सस्पेंशन इसका मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छा वेट क्रैप कर लेता है, पूरी बाइक का लोड और पिलियन का लोड और राइडर का लोड पूरा विद लगेजेस सब इसके ऊपर ही रहता है, तो काफ़ी अच्छा है ये सस्पेंशन भी, और काफ़ी कंफर्टेबल आपको राइड भी देता है, जैसे कि मेरा शौक है राइडिंग करने का, घूमने फिरने का इधर उधर बाइक से, तो ये मेरा शौक़ भी पूरा कर रही है। और इसके अगर माइलेज की बात करें तो ऑब्वियस है कि इसकी सिटी के अंदर जो मेरे को माइलेज अभी तक मिली है, वो माइलेज मुझे मिली है इसकी 28-30 मुझे सिटी में मिली है, और हाईवे पर मुझे वही 35-34 करीब मेरे को हाईवे पर मिली है, तो ठीक है, क्योंकि आप जब पावर चाहोगे तो आप उसमें माइलेज में तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इसका फ्रंट टायर की। फ्रंट टायर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रंट टायर में आप देखेंगे जो कंपनी ने ये 100 का दिया है ना टायर, ये मच भी बेटर, ये 110 का हो सकता था, जिससे कि इसकी ग्रिप और अच्छी हो जाती। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके की बाइक है उस तरीके से इसके टायर इसके ऊपर जचते नहीं है, ये देखिए
पीछे वाले इन्होंने ये टायर दिया है, ये जो ये टायर है ये 130 सेक्शन का है। ये हो सकता था मछवी 140 सेक्शन का होता तो इसकी कॉर्नरिंग करने में या फिर कहीं भी स्लश के अंदर बाइक आराम से निकल सकती थी, कहीं स्किट बाइक की स्किट मारने का कोई झंझट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं करा। चैनल है डेली 53, आपका अपना भाई DCS। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक एंड शेयर, और ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बताइएगा जो मेरे इस वीडियो में कमी रह गई है आप उसको बताइएगा। होप सो मैं इसको आगे सही कर दूँगा।